Welcome guys, so this is a very different set, a good set in fact. So try attempting this set and then watch the solution. Let's read it. In a game show, there are n bulbs, each of which can be operated by a press of a button. If a bulb is initially off, pressing the button connected to the bulb once will make the bulb glow green. Pressing it two times will make the bulb glow blue. Pressing it three times will make the bulb glow yellow. Pressing it four times will make the bulb glow red. While pressing it for the fifth time will make the switch fifth time will make the bulb go off. So this cycles repeat. So what is it? कि initially क्या है सारे off हैं. अगर कुछ भी press नहीं कर रहे हैं तो सब off है. एक बार press कर दिए तो क्या हो जाएगा? Bulb green हो जाएगा. दो बार press कर दिए तो blue हो जाएगा. तीन बार press कर दिए तो yellow हो जाएगा. और चार बार press कर दिए तो रेड हो जाएगा. और फिफ्थ टाइम अगर प्रेस कर दिया तो फिर से ये ऑफ हो जाएगा और फिर ये साइकिल कंटिन्यू करेगा. तो ये साइकिल क्या है हमारा? ऑफ से लेके रेड तक का साइकिल है. नाउ लेट्स रीड इट फर्दर. द एन बल्ब्स आर ऑल प्रेजेंट इन वन रूम एंड नन ऑफ द बल्ब इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड दिस रूम. द बटन्स कनेक्टेड टू दीज एन बल्ब्स आर ऑल इन अ डिफरेंट रूम. गौरव, अ पार्टिसिपेंट इन अ गेम शो, वॉज आस्क्ड टू ऑपरेट द बटन्स एंड ट्राई टू फिगर आउट the respective buttons connected to each bulb. Fine, तो respectively कौन सा button किस bulb के लिए वो identify करना है. Every time he enters the room in which the bulbs are present and checks the status of the bulb, it is counted as one visit. Now, the objective of the game is to minimize his number of visits. Fine. अच्छा, now let's see कि question का concept क्या है. अगर हमारे पास पांच बल्ब्स दिए हों, अगर हमारे पास पांच बल्ब्स हैं तो हम लोग मिनिमम कितने विजिट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अब पांच बल्ब्स के पांच स्विचेस होंगे, S1, S2, S3, S4, S5. आई एम नॉट सेइंग दीज आर रिस्पेक्टिव बल्ब्स एंड स्विचेस. अगर S1 को मैं कोई भी बार प्रेस नहीं कर रहा हूँ, जीरो टाइम्स प्रेस कर रहा हूँ, S2 को वन टाइम प्रेस कर रहा हूँ, S3 को टू टाइम्स प्रेस कर रहा हूँ, S4 को थ्री टाइम्स एंड S4 को फोर टाइम्स प्रेस कर रहा हूँ, तो कोई एक बल्ब ग्रीन हो जाएगा, कोई एक बल्ब येलो हो जाएगा, कोई एक बल्ब रेड हो जाएगा, कोई एक बल्ब ब्लू हो जाएगा और कोई ऑफ का ऑफ ही रहेगा. तो जो ऑफ रहा वो यानी कि S1 है क्योंकि उसे बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया गया था. तो इसका स्विच ये है. वन टाइम प्रेस किया गया है, ग्रीन हो गया है, तो ये इससे कनेक्टेड है, राइट. दो बार प्रेस किए हैं, ब्लू हो गया है, तो ये इससे कनेक्टेड है, राइट. सो वी कैन आइडेंटिफाई एक विजिट में, एक बार इसको प्रेस कर दो, इस तरह से प्रेस कर दो, इस रूम में चले जाओ और देख लो और आइडेंटिफाई कर लो कौन सा बल्ब किसके लिए रिस्पेक्टिव क्या स्विचेस हैं. सो हमारे पास पांच पॉसिबल कलर्स हैं अटेन करना है, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल्स टू 25, तब क्या होगा? तब हमारे पास 25 बल्ब्स होंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली 25 स्विचेस होंगे, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 एंड सिमिलरली टिल S25. अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये पांच ही कलर्स अटेन करवा सकते हैं, राइट. ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड या ऑफ रहे, यही पांच कलर अटेन करा सकते हैं. हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट स्विच को एक बार प्रेस कर दिए, सेकंड स्विच को दो बार प्रेस कर दिए, थर्ड स्विच को तीन बार प्रेस कर दिए, फोर्थ स्विच को चार बार प्रेस कर दिए, फिफ्थ स्विच को क्या करेंगे हम लोग, पांचवी बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो फिर से ये ऑफ हो जाएगा. यही हम लोग सेट को रिपीट करवा सकते हैं कि फिर सिक्स स्विच को जो है एक बार प्रेस किए, सेवन्थ स्विच को दो बार प्रेस किए, एट्थ स्विच को तीन बार प्रेस किए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. तो पाँच पाँच का सेट बनाकर हम लोग इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं. तो इससे होगा क्या कि हमारे पास जो 25 बल्ब्स अवेलेबल हैं उसमें पांच ग्रुप्स बन जाएंगे. पांच ग्रुप्स कैसे बनेंगे कि ग्रीन कलर के ग्लो करने वाले कितने बल्ब्स हो जाएंगे? पांच बल्ब्स हो जाएंगे. और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्विचेस कौन से हो सकते हैं? वन होंगे, सिक्स होंगे, एलेवन होंगे, सिक्सटीन्थ होंगे और 21st होंगे. सिमिलरली ब्लू कलर के हमारे पास पाँच बल्ब्स हो जाएंगे, वो क्या होंगे? दो, फिर सात, फिर प्लस जस्ट ऐड फाइव, सो दिस विल मेक इट टू 12, 17 एंड 22. सिमिलरली हमारे पास पांच ऑफ भी हो जाएंगे. ऑफ जो होगा
वो हमारे भी पांच बल्ब्स ऑफ होंगे, वो कौन कौन से होंगे, 5, 10, 15 एंड 20 एंड 25, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हमें ये तो देखने को मिल जाएगा, अगर मैं एक विजिट डालता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से पांच बल्ब्स ग्रीन हैं, कौन से पांच बल्ब्स ब्लू हैं, कौन से पांच बल्ब्स ऑफ हैं, रेड हैं और येलो हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं इन सारे जो ग्रीन ग्लोइंग बल्ब्स हैं, ग्रीन ग्लोइंग बल्ब्स के स्विचेस को, यानी इन सारे स्विचेस को इसे एक बार और प्रेस करेंगे, इसे दो बार प्रेस करेंगे, इसे तीन बार प्रेस करेंगे, इसे चार बार प्रेस करेंगे, इसे पांच बार प्रेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि पांच ही बार प्रेस कर सकते हैं, पांच कलर्स के ही पास हमारे पास अवेलेबिलिटी है। नाउ हम लोग ये ग्रीन ग्लोइंग बल्ब्स को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, तो जब मैं इतनी बार प्रेस कर दूंगा और सिमिलरली इन पांचों कलर्स के लिए ये काम कर चुके होंगे, ये पांचों कलर्स के लिए ये काम कर चुके होंगे, तो हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा स्विच किस बल्ब के लिए रिलेटेड है, या रेस्पेक्टिवली कौन सा स्विच किस बल्ब को कनेक्ट करता है। क्योंकि अगर ग्रीन कलर का जो भी बल्ब्स थे जिसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसमें से अगर एक टाइम्स प्रेस कर दिए और वो ब्लू हो चुका है, ग्रीन से ब्लू हो चुका है, पहले हमें उसे ग्रीन आइडेंटिफाई कर लिए थे और वो ब्लू हो गया है, तो यानी कि वो स्विच वन के लिए है। अगर वो ग्रीन से रेड हो चुका है तो वो कितनी बार और प्रेस हुआ होगा, वो कितनी बार और प्रेस हुआ होगा, 3 टाइम और प्रेस हुआ होगा, तो वो 11th। इसी हिसाब से हम लोग सारे के सारे बल्ब्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ दो विजिट में, राइट। पहले विजिट में हम लोग सारे बल्ब्स को मार्क कर लेंगे, कौन कौन ग्रीन है, कौन कौन ब्लू है, कौन कौन रेड है, येलो है और कौन ऑफ है। फिर सारे बल्ब्स के साथ हम लोग एक बार इसके लिए, फिर दो बार इसके, हो तीन बार इसे प्रेस करेंगे, चार बार इसे प्रेस करेंगे, पांच बार इसे प्रेस करेंगे, अकॉर्डिंगली जिस तरह से ग्रीन के फर्दर रेस्पेक्टिव स्विचेस आइडेंटिफाई किए हैं, उसी तरह ब्लू के फर्दर रेस्पेक्टिव स्विचेस आइडेंटिफाई कर लेंगे ब्लू से जो दूसरा कलर चेंज हो रहा है। होप आई एम मेकिंग द पॉइंट। सो हम लोग देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास पांच कलर था और मैक्सिमम 25 के लिए हम लोग दो विजिट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 125 रहेगा तो हम लोग कितने विजिट में देख लेंगे, बिकॉज दिस इज 5 to the power 3, तो हम लोग 3 विजिट में सारे के सारे कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट्स सो वेरी सिंपल, तो 5 के पावर्स में ये जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन इक्वल्स टू 2048, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विजिट्स रिक्वायर्ड। तो वी नो दैट 5 to the power 4 इज वॉट 625 एंड 5 to the power 5 इज 3125। तो अगर 625 बल्ब्स हैं तो हमें मिनिमम कितने विजिट चाहिए, 4। अगर 3125 हैं तो हमें मिनिमम विजिट कितने चाहिए, 5। 2048 इससे बड़ा है बट इससे छोटा है, तो 5 विजिट में वी कैन ईजली फाइंड इट आउट। होप दिस इज क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज इफ एन इज अ मल्टीपल ऑफ 64, गौरव वॉज एबल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बटन्स कनेक्टेड टू ईच ऑफ द बल्ब्स इन 5 विजिट, वॉट इज द पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। सो 5 विजिट में मैक्सिमम वो कितने बल्ब्स फाइंड कर सकता है, 3125। बट गिवन कंडीशन क्या है कि एन इज अ मल्टीपल ऑफ 64, सो वॉट इज द हाइएस्ट मल्टीपल ऑफ 64 विच इज लेस दैन 3125, राइट। सो वी कैन ईजली फाइंड इट आउट, द नंबर इज देन 3072, राइट। नाउ इन क्वेश्चन 3 and 4 वी हैव एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ड्यू टू माल फंक्शनिंग एवरी टाइम अ बल्ब इज सपोज टू बी ग्लोइंग दैट इज नॉट ऑफ, इट डज नॉट नेसेसरली ग्लो इन अ कलर दैट इज सपोज टू ग्लो। सिर्फ ऑफ वाले केस में वो ऑफ हो जाएगा, बट दूसरे डिफरेंट कलर जो उसको ग्लो करना चाहिए था उस पर्टिकुलर कलर में ग्लो नहीं करेगा, किसी और डिफरेंट कलर में ग्लो करेगा, एंड दैट टू बट ग्लोज इन एनी ऑफ द 4 पॉसिबल कलर्स रैंडमली। सो वी आर नॉट श्योर कि कौन से कलर में ग्लो करेगा, बट अब हमारे पास दो ही सिचुएशन आ जाएगा कि बल्ब इधर ग्लो करेगा या तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑफ में कोई हमारे पास
माल फंक्शनिंग नहीं है, ऑफ का जो चांस आता है उसमें माल फंक्शनिंग नहीं है, बाकी जो डिफरेंट कलर्स अटेन करने का जो चांसेस हैं नंबर ऑफ प्रेसेस पे उसमें माल फंक्शनिंग है, वो कोई भी कलर कोई भी रैंडमली आ जाएगा। तो व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ इस क्या कि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, पहले हमारे पास पांच पॉसिबिलिटी था, चार कलर्ड और एक ऑफ, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऑफ रहेगा या तो फिर वो कलर्ड रहेगा। अब हमारे पास कलर एग्जैक्ट कलर से मतलब नहीं होगा क्योंकि वो रैंडम हो गया है और वो माल फंक्शनड हो गया है, तो या तो ऑफ रहेगा या तो वो कलर्ड रहेगा। तो जब पाँच था तो हमारे पावर्स ऑफ फाइव में देखते थे, अब जब दो कलर हो गया तो हम पावर्स ऑफ टू में देखेंगे। नाउ इफ एन इक्वल्स टू 48 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विजिट रिक्वायर्ड, तो वी नो दैट 2 टू द पावर 5 इज 32 एंड 2 टू द पावर 6 इज 64। सो अब हम लोगों को 48 बल्ब्स को आइडेंटिफाई करना है, तो 5 से ज़्यादा 6 से कम तो हमें मिनिमम 6 विजिट तो चाहिए ही होगा। सिमिलरली If Gaurav was able to determine the buttons connected to each of the bulbs in 5 visits, what is the maximum possible number of value of n? Very simple, 2 to the power 5, that answer is 32. So if you understand this concept, solving the question is very easy. Hope you have understood it.